काम नहीं हुआ है। गार्जियन को दौड़ा दौड़ा के सब मारे थे सब सुबह में। हम लोग शहीद होने के लिए आए हैं, हम लोग जेल खाली करवाए, अरेस्ट होने आए हैं। हाँ, जब वो गद्दी पे आ गए तो हमारी मांगे जो वादा किए थे वो भूल गए। तो ऐसी सरकार कब भूल गए ना, तो उसको भूलने दीजिए। हमारी एकता जिंदाबाद है, उसके कलेजा में जो वो दिल है, दिल में से छीन के हम अपनी मांगे लेंगे। नीतीश कुमार को बैठे हैं जो विधानसभा में, अब लगन नहीं होगा तो विधानसभा में बैठाएंगे। एक गारंटी नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम नहीं बनाएंगे, कभी किसी की बात को नहीं बनाएंगे। ठेंगा 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 दिखाने पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देखे सपना। नीतीश के पास महिला औरत है ही नहीं, तो महिला का मरम जानेंगे क्या? उनकी महिला तो मर चुकी है, जिनकी महिला नहीं है वो महिला का मरम नहीं जानेंगे। नीतीश कुमार अपना बीवी नहीं संभाल सके तो आंगनबाड़ी सेविका को कहाँ संभालेंगे? सब पुलिस, जबकि सेविका से ज्यादा पुलिस ही है। पुलिस की वजह से रोड जाम हुआ है, सेविका की वजह से रोड जाम नहीं हुआ है। सारा दोस्त सेविका को देखिए, ये जो पुलिस है ना, इतनी सबको मार रही है। अब हम लोग भी मारने लगे तो उसको क्या होगा? हम लोग भी मारने लगे तो कहेंगे सेविका मार रही है। अभी तक हम लोग किसी पे हाथ नहीं उठाए हैं, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे गार्जियन में जब आप लोग नहीं आए थे, जब आप लोग नहीं गार्जियन तो गार्जियन को दौड़ा दौड़ा के सब मारे थे सब सुबह में। क्या लग रहा है सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है? कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं, बहुत अन्याय कर रही है। हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ से कूद के आ गए। हम लोग पहले परियोजना तब जिला तब यहाँ पे आए। हम लोग का परियोजना में सुन ली रहती तो हम लोग कहीं यहाँ पे आते कर रहे? क्या मांग रहे? हम लोग को सरकारीकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग से सारा सरकारी काम लिया जाता है, जनगणना, पोलियो, बीएलओ, तो हम लोग को उचित मानदेय दे के सम्मानजनक मानदेय दिया जाए हम लोग को। इसीलिए हम लोग विधानसभा घेरा करेंगे, पटना जाम करेंगे हम लोग। विधानसभा अभी घेरने नहीं देगा, अरेस्ट कर लेगा। हम लोग शहीद होने के लिए आए हैं, जेल खाली करवाए, अरेस्ट होने आए हैं। करने की जगह नहीं है, इसीलिए तो धमकी क्या चीज का, अरेस्ट क्या चीज का वो करेंगे? लगातार 96 घंटा लगातार हम लोग यहाँ पर रहे हैं, 96 घंटा। अपने बच्चे और अपना हस्बैंड को छोड़ के आए, हम लोग मरेंगे पटने से, और हम लोग का अंधी पटने होगा। हम लोग यहाँ से लहास क्यों नहीं चले जाए, लेकिन हम अपना हक लेके यहाँ से जाएंगे। उम्मीद है नीतीश तेजस्वी से? नहीं सुनी जाती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाता है हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं हटेंगे, अनशन करेंगे, नहीं हटेंगे। जो वादा खिलाफी सरकार है ना, उसको क्या वादा किया था? वादा किया था जो तेजस्वी यादव जो पहले गद्दी से बाहर थे, तो बोले बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी ना, तो हम सेवका सहायिका का मांगे दुगुना कर देंगे। जब वो गद्दी पे आ गए तो हमारी मांगे जो वादा किए थे वो भूल गए। तो ऐसी सरकार कब भूल गए ना, तो उसको भूलने दीजिए। हमारी एकता जिंदाबाद है, उसके कलेजा में जो वो दिल है, दिल में से छीन के हम अपनी मांगे लेंगे। छीन लीजिए, छीन लेंगे, बिल्कुल छीनेंगे, बिल्कुल छीनेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती है, जब तक हम यहीं पे विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके बाद हमारी मांग जब तक पूरी ना हो जाती है, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगा। जिस तरह से इस बार हम लोग के साथ हुआ है ना, उनको क्या हुआ? अभी लाठी चार्ज हुआ है हमारे गार्जियन पे। अब हम बता रहे हैं सेविका, और अभी आप लोग नहीं थे तो पुलिस मारी है गार्जियन को, है ना? जब आप लोग आए हैं तो अब जाके शोषण करना बंद किया है। और सुनिए, आप लोग आए हैं तो अभी बंद हुआ है, नहीं तो है महिला पुलिस एक झपड़ा मार दे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे सब। लेकिन हम लोग अपने मर्यादा में थे, सारा सिस्टम का उल्लंघन। ये जगह नहीं है प्रदर्शन करने का, यहाँ प्रदर्शन कीजिएगा तो जेल जा सकते हैं, लाठी चार्ज। हम लोग अपने परियोजना में थे ना, तो काहे नहीं मांग पूरा कर दिया? हर पटना के धरती पर हर जगह से विकल के लिए प्रदर्शन करने का जगह है, जब उनको काम करने का जगह है तो भाग दिया गया है। नहीं, हम लोग का पटना जाम करेंगे, पूरा पटना जाम, गली गली जाम।
जाम करेंगे हम लोग, करेंगे प्रशासन आगे नहीं जाने दे रहा, हम लोग यहीं पे जाम करेंगे, हर एक गली जाम होगा, हमारी एकता है ये। देखिए नीतीश कुमार को बैठे हैं जो विधानसभा में, अब लगन नहीं होगा तो विधानसभा में बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे सेम का सहायता को प्रधानमंत्री बनने जा, आप नहीं बनाएंगे, कभी किसी की बात नहीं बनाएंगे, ठेंगा दिखाने पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को सपना देखे, सपना देखे महिला के लिए काम तो नीतीश कुमार ने किए थे, महिला को पिटवाया जा रहा है, महिला को पुलिस द्वारा मारा जा रहा है, महिला शोषण हो रहा है, उनकी महिला नहीं है, नीतीश के पास महिला औरत है ही नहीं तो महिला का मरम जानेंगे क्या, उनकी महिला तो मर चुकी है, जिनकी महिला नहीं है वो महिला का मरम नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। मेन मुद्दा है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा 25,000 एक मजदूर को मिलता है, हमको मजदूरी मिलना चाहिए।